अच्छा रवि बताइए, वो आखिरी सेकंड्स कुछ था जिसने लोगों को लगता है यार क्या होगा पता नहीं, अचानक से तूने खेल बदल दिया। यही था कि जेको जी जो करके दिखाना है। नहीं तुम्हारे दिमाग में था कि तुम इसका प्रयोग करोगे या मौका मिल गया वहाँ? नहीं जेको पहले ही दिमाग में था कि बस अब एक ही टेक्निक है, अगर इसमें अगर सफल होना है तो बस ये लगानी है उसके बाद। लेकिन तुम्हारे हाथ काट लिया, ये कांटा है वो कांटा है ये वाला, उसके बाद भी तुम जकड़ के रहे। देखो जी वो टाइम ऐसा था, अगर छोड़ देता तो शायद बाउट किधर भी हो सकती थी। बाद में कोई एक्शन लेते हैं क्या इस प्रकार से, कोई काटता छाटता है तो? हाँ जी लेते हैं। देखो पर थोड़ा ना उस टाइम पे मतलब इतना ही था क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना खून नहीं आए थे उसके अंदर से, लीला तो हो गया था, अगर खून आते तो शायद कुछ एक्शन हो जाता। अच्छा लेकिन बहुत अच्छा किया आपने। और लेकिन एक रवि में शिकायत है मेरी, देखिए हरियाणा का आदमी, उस आदमी यार औरत कोई भी हो वो हर पल हर चीज में खुशी ढूंढता है, ये हरियाणा की विशेषता है ये, वो हर चीज में कुछ न कुछ ऐसे कमेंट करेगा आप खिल करके हंस पड़ोगे, क्योंकि मुझे 5 साल हरियाणा में रहने का मौका मिला है, मैंने इसको देखा है कि आप लोग। लेकिन रवि से मेरी शिकायत है कि तुम्हें हो सकता है तुम्हारे मन करता है गोल्ड ले आऊं, नहीं आया, लेकिन पोडियम पर भी हंसते नहीं थे यार ये क्या बात है वो थोड़ा जी देखो उस टाइम थोड़ा हाँ मगर उसके बाद में अब ठीक है, कुछ हम ऐसी कोई बात नहीं, मतलब तुम्हारे मन पे प्रेशर था प्रेशर नहीं था, बस जी एक उम्मीद के साथ गए थे कि देश के लिए हम लोग गोल्ड। देखिए उम्मीद भी होनी चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, पराक्रम भी चाहिए, लेकिन निराशा का नामो निशान नहीं चाहिए। ठीक है जी आगे भी होगा बिल्कुल। और हरियाणा वालों से तो कभी नहीं क्योंकि मैंने हमेशा देखा साहब ऐसे खुश मिजाज होते हैं, हर चीज का ऐसा बड़ा मजा लेते हैं वो। और बजरंगी आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते, तो यही था लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी, तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की थी, तो वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा। वो तो मुझे पना भरोसा है तुम चुप बैठने वाले नहीं हो उसके लगे हो आप पहलवान लोग हैं कभी रुकते नहीं है जी। और दीपक का क्या हाल है? गुस्सा होगा अभी भी सर बहुत दुख होगा मेडल के मतलब बहुत क्लोज। अरे क्या बात करते हो, इतनी छोटी आयु तुम्हारे पास तो इतनी उम्र पड़ी है और इतनी बिगिनिंग में तुम नंबर अपना तो आगे बढ़ा चुके हो। हाँ सर बिल्कुल, और अभी 2024 के लिए अपना पूरा सपना पूरा करेंगे देश को गोल्ड मेडल दिलाने का। नहीं मुझे पूरा भरोसा है लेके आओगे। लेकिन घर गए तो क्या रहा सर? घर गया ही नहीं अभी। गए नहीं अभी? हाँ देखो भाई घर जाना चाहिए और ऐसे निराशा नहीं होनी चाहिए, माँ बाप के आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ सर बिल्कुल अभी जाएंगे। हाँ व्यस्त रहे होंगे लेकिन ऐसा नहीं है, आपने अच्छा किया है। हाँ देश को गौरव है।